नमस्कार, न्यूज नंबर पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकिला। हमारे देश में कई ऐसे नाम हैं और कई ऐसे लोग हैं जो अरबों के मालिक हैं, जैसे कि मुकेश अंबानी, रतन टाटा, कुमार मंगलम बिड़ला और भी कई सारे नाम हैं जिन्होंने उद्योग के क्षेत्र में ऐसा काम किया जिससे कि उनका नाम न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी लिया जाता है। और भी कई ऐसे नाम हैं जो व्यापार को एक अलग दिशा में लेकर गए, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसे मटका किंग के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, बात कर रहे हैं रतन खत्री की, जिन्होंने सट्टी की दुनिया में अपना एक अलग मकाम हासिल किया। किस तरीके से उन्होंने भारत में इसकी शुरुआत की, कहाँ से उन्होंने शुरुआत की और कैसे मटका किंग के नाम से विख्यात हुए, ये आज जानेंगे। प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम newsnumber.com। रतन खत्री देश के विभाजन के दौर में पाकिस्तान के कराची से मुंबई आए और वहीं बस गए। इसके बाद से मुंबई ने कई दौर देखे, अंडरवर्ल्ड के दौर से लेकर आतंकी ब्लास्ट का दौर। इन सब के बीच शहर में सट्टा भी फल फूल रहा था। रतन खत्री ने ट्रेडिशनल जुए को एक खास शैली दी जिसमें मटके से नंबर निकाला जाता और उसे दिन का लकी नंबर मान लिया जाता था। इंटरनेट और मोबाइल न होकर सिर्फ टेलीफोन के उस दौर में मिनटों में ये नंबर पूरे देश में फैल जाता था। ये मटका किंग के जुए की लोकप्रियता ही थी। कहानी शुरू होती है साल 1962 से, जब मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में सफेद कुर्ता पायजामा में एक अनाम शख्स आता है और वहां पुलिस वालों से बातचीत कर उन्हें क्राइम रिपोर्टरों को अपने साथ एक धमाकेदार स्टोरी के लिए बुलाता है। ये स्टोरी थी पहली बार मटके से निकालकर जुए का लकी नंबर घोषित करने की। ये अनाम शख्स था रतन खत्री, जिसने शहर में सट्टे को नई शैली दी। ये तरीका जल्द ही लोकप्रिय होने लगा और मुंबई से ही देश भर के जुए का कारोबार चल निकला। वो एक ऐसा समय था जब तात्कालीन बॉम्बे में रात 9 बजे जरूरी से जरूरी ट्रंक कॉल भी आप नहीं कर सकते थे। वजह, सारी टेलीफोन लाइनों पर सट्टेबाज होते थे जो एक दूसरे को वो लकी नंबर बता रहे होते थे जो उस रोज मटका किंग ने घोषित किया होता था। एक रिपोर्ट के अनुसार जुए के इस खेल की लोकप्रियता ऐसी बनी कि रात 9 बजे के आसपास MTNL सारे कॉल रोक दिया करता था ताकि सट्टेबाज लकी नंबर बांट सकें। तो 1962 का वो दौर जब रतन खत्री ने सट्टे की दुनिया में अपना कदम रखा और मुंबई में वो अपना धीरे धीरे कारोबार जमाने लगे, लेकिन इस बीच उन्हें एक लंबी छलांग लगानी थी, या फिर यूं कहें कि उन्हें सट्टे की दुनिया का बेताज बादशाह बनना था जिसे हर कोई जाने, उनका नाम हो। लेकिन इसके लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, उन्हें किसी के साथ की ज़रूरत थी, या फिर यूं कहें कि पार्टनर की ज़रूरत थी। तो उन्होंने एक पार्टनर चुना। कौन था वो पार्टनर और उसका सट्टे से क्या नाता था, ये जानिए। वैसे खत्री ने जुए की शुरुआत अकेले नहीं की, उनके साथ थे कच्छ के कल्याण जी गाला, जो साल 1944 में कच्छ छोड़कर मुंबई आ बसे थे। कल्याण जी तब एक सीधे साधे आदमी थे जो राशन की दुकान चलाते और वर्ली की चौल में रहते थे। दुकान आने वाले लोगों के मुंह से न्यूयॉर्क कॉटन एक्सचेंज में सट्टे की कहानियां सुन सुनकर कल्याण जी को भी इसमें स्कोप लगा। वहीं से सट्टे का लोकल वर्जन मटका शुरू हुआ। खेल की लोकप्रियता बढ़ने लगी क्योंकि चौल में रह रहे कारखाना वर्कर भी इसमें 1 रुपए से खेल सकते थे। जल्द ही ये वर्ली से जेवरी बाजार जा पहुंचा और वहीं इसका हेडक्वार्टर हो गया। दक्षिण मुंबई का ये बाजार अपनी तंग गलियों और सोने चांदी के गहनों के लिए मशहूर था। वर्ली से जेवरी पहुंचने के साथ ही रतन खत्री मटके के जुए में कल्याण जी के पार्टनर हो गए और काम चल निकला। खत्री ने अपने सट्टे के लिए 3 कार्ड चुनने का अनोखा तरीका निकाला। वो पब्लिक प्लेस पर घूमते हुए किसी भी रैंडम दुकानदार को चुनता और उससे भीड़ के बीच 3 कार्ड्स उठाने को कहता। इससे कार्ड चुनने में किसी तरह की चालाकी या बदमाशी जैसा डर भी लोगों के बीच नहीं रहा। बाद में खत्री के पास इतने पैसे हो गए कि वो फिल्म मेकरों को फाइनेंस करने लगा। कई बार लोकल दुकानदारों के बजाय वो फिल्म मेकरों से भी 3 कार्ड्स चुनने को कहता। अपनी आत्मकथा खुल्लम खुल्ला में दिवंगत ऋषि कपूर ने रतन खत्री का जिक्र किया है कि कैसे साल 1976 में एक फिल्म रंगीन रतन बनवाते हुए खत्री कई शाम उन्हें या अशोक कुमार को फोन करते और कार्ड चुनने को कहते। इसके बाद ये कार्ड नंबर उस रोज के लकी नंबर की तरह मिनटों में मुंबई में फैल जाता। ऋषि ने खत्री के टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताते हुए लिखा था, एक बार खत्री बेंगलुरु से मुंबई फ्लाई कर रहे थे। हवाई जहाज में फोन काम न करने के कारण मटका नंबर अनाउंस करने में देर हो रही थी। ऐसे में खत्री ने पायलट की मदद ली और कंट्रोल टावर के जरिए मटका नंबर अनाउंस किया। जुए के अवैध
होने के बाद भी पुलिस इसमें कुछ न कर सकी, क्योंकि ऐसा होने पर खेल से जुड़े आम खास सभी नाराज हो जाते और किसी बड़ी दुर्घटना का डर था। वैसे लगातार लोकप्रियता पाने के बाद भी रतन खत्री ने साल 1993 में मटके का सट्टा बंद कर दिया। इसके पीछे कई वजहें दी जाती हैं, जैसे उसी साल खत्री अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने लंदन जा रहे थे, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने पर पता चला कि अधिकारियों ने अवैध काम से जुड़ा होने की वजह से उनका नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया था, यानी खत्री हवाई यात्रा नहीं कर सकते थे। परिवार के सामने इस तरह बेइज्जत होने के कारण उन्होंने जुए का धंधा बंद करने का फैसला ले लिया। बहरहाल रतन खत्री का सफर इतना आसान नहीं था। रतन खत्री ने कई सारे उतार चढ़ाव देखे और इसके साथ ही उन्होंने अपने आप को साबित किया। वो चाहते थे कि वो सट्टे की दुनिया के बेताज बादशाह बने, और वो बने भी। हालांकि वो इस नाम से कुख्यात भी थे और सट्टे की दुनिया को वो एक अलग लेवल पर लेकर आए। न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी उनका नाम आज भी जाना जाता है। 11 मई 2020 को रतन खत्री का एक बीमारी के चलते निधन हो गया। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए, जानकारियों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नंबर।